हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिमीज़ मसाला किचन। आज हम बनाने वाले हैं नमक पारे। सेम डो से आप इन्हें किसी भी शेप के और किसी भी साइज़ के बना सकते हैं। बस फ़र्क होता है इनको बेलने में और इनको तलने में, तो वो सारा डिफरेंस मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। एकदम से खस्ता, कुरकुरे और क्रिस्पी नमक पारे किसे अच्छे नहीं लगते। चाय के साथ तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। डो बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़ा सा बोल और उसमें हम डालेंगे मैदा 1.5 कप, 180 ग्राम, 180 ग्राम। और उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट 3/4 टीस्पून और साथ में लेंगे 1 टीस्पून अजवायन, कैरम सीड्स। उनको हम हाथ से कुछ इस तरह से क्रश करके डालेंगे, इससे अजवायन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपको कसूरी मेथी पसंद है तो 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी भी इसी तरह से हाथ से क्रश करके डाल दीजिएगा। और हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी मोयन के लिए। और घी को मैदा के साथ में मसल मसल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमें घी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और देखना है कि अगर उसमें मुट्ठी बननी शुरू हो गई है तो इसका मतलब घी एनफ है, वरना आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। फिर हम इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेंगे। हमें डो को थोड़ा फर्म ही रखना है, रोटी परांठे की डो से थोड़ा सा कैड़ा, कुछ कुछ पूरी की डो की तरह। मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक बार में थोड़ा पानी ही डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका हमें डो तैयार करना है। हमारा डो बिल्कुल तैयार है, ना बहुत सॉफ्ट ना बहुत फर्म, बिल्कुल परफेक्ट। हम डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसे हम किसी क्लिंग फिल्म से या प्लास्टिक बैग से ढककर रखेंगे। मिनट के बाद हम डो को निकाल लेंगे और किसी वर्क सरफेस पर रखेंगे। फिर डो को थोड़ा सा हाथ से फैलाकर किसी पिज्ज़ा कटर या चाकू की सहायता से बीच में से काट लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर दोबारा से उसको अच्छे से दबाकर दोबारा से पिज्ज़ा कटर से काट कर दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। ये प्रोसेस हम 4 से 5 बार रिपीट करेंगे। ऐसा करने से हमारे नमक पारे अंदर से बेहद खस्ता बनेंगे और उनमें अंदर लेयर्स बन जाएंगी। एकदम फोके नमक पारे बनाने के लिए इस प्रोसेस को जरूर फॉलो कीजिएगा। हम डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उन्हें हम इस तरह से स्मूथ करके उनकी बॉल्स बना लेंगे।
अब हम एक बोल को लेंगे और उसे वर्क सरफेस पर रखेंगे और फिर उसको अच्छे से बेल लेंगे। अगर आप पतले नमक पारे बनाना चाहते हैं तो बोल को आप एक बड़ी सी रोटी के साइज में बेल लीजिएगा। फिर हम अपनी रोटी को किसी पिज्जा कटर या चाकू की सहायता से जिस भी शेप में आप चाहें उसमें काट लेंगे। मैं इनको डायमंड शेप में काट रही हूँ। हमारे नमक पारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे, क्योंकि ये हमारे नमक पारे काफ़ी पतले हैं इसलिए हम ऑयल को मीडियम हीट पर रखेंगे। मीडियम हीट पर ये वाले नमक पारे अंदर और बाहर से एक साथ पक जाएंगे। जब ऑयल ठीक से गर्म हो जाए तो हम नमक पारों को ऑयल में डालेंगे। हमें एक एक करके नमक पारों को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ बहुत सारे नमक पारे डाल देंगे। ऑयल में डालने के बाद वो अपने आप ही अलग हो जाएंगे। शुरू में 2 मिनट हम उनको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे वरना वो टूट जाएंगे, और उसके बाद फिर हम किसी पोनी से इस तरह से हिला हिला कर उनको अलग अलग कर लेंगे। हम इन नमक पारों को अलटते पलटते रहेंगे और इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। हमें इन नमक पारों को फ्राई करने में 5 से 6 मिनट तक का समय लगेगा। हमारे पतले वाले डायमंड शेप्ड नमक पारे बिल्कुल तैयार हैं। ये पतले होने के कारण बहुत ही क्रंची, बहुत ही कुरकुरे होते हैं। जो हमारा डो का दूसरा पार्ट था उसको भी हम बेलना शुरू कर देंगे, पर इस बार हम इसको थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। हम बीच बीच में इसको इस तरह से हाथ से स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप देंगे। आप देख सकते हैं हमने अपने डो को काफ़ी मोटा ही रोल किया है, तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर मोटाई का। क्योंकि हमारे ये वाले नमक पारे काफ़ी मोटे होंगे तो इनको हम छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। हमारे ये वाले नमक पारे भी अब तलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन वाले नमक पारों को तलने के लिए हमने फ्लेम को लो पर रखा है, क्योंकि ये नमक पारे काफ़ी मोटे हैं। अगर हम इनको मीडियम या हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये बाहर से एकदम से लाल हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ताकि ये नमक पारे अंदर तक सिक जाएं, हम फ्लेम को लो पर ही रखेंगे। इनको हम धीरे धीरे से इस तरह से अलटते पलटते रहेंगे और जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तब तक इनको तलेंगे। क्योंकि इन नमक पारों को हम लो फ्लेम पर सेक रहे हैं तो इनको तलने में 8 से 10 मिनट तक का समय लगेगा। ये वाले नमक पारे भी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको भी तेल में से निकाल लेंगे। ये थोड़े से मोटे होते हैं पर बाहर से एकदम से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही फोके होते हैं।
और आप इनकी लेयर्स भी नोटिस कर सकते हैं। आपको जैसे नमक पारे पसंद हों वैसे नमक पारे बनाइए, पतले डायमंड शेप्ड के जो एकदम से क्रिस्पी और इस तरह से कुरकुरे होंगे, या फिर थोड़े से मोटे स्क्वायर शेप के जो इस तरह से एकदम से अंदर से फोके होंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।